पर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसे आप सभी? एकदम मस्त, बढ़िया, टका टक। तो आज हम जा रहे हैं अपनी स्कूबी की सर्विस कराने, एंड मैंने गले में डाल रखी है अपनी बाइक की शू माला, मतलब टायर डाल रखे हैं मैंने गले में। ये देखो, आज भाई बाइक की फाइनली सर्विस हो जाएगी। बहुत टाइम हो गया सर्विस नहीं हुई इसकी, आज सर्विस भी कराई देंगे अच्छे से। बाइक हमारी पूरी चमक जाएगी। लाइट हमने लगवा दी थी 2 दिन पहले और आज हम जा रहे हैं सर्विस कराने। देखते हैं क्या कोस्ट आएगी। और जितनी भी मेरी फेयरिंग साइड में थोड़ी सी क्रैक है उसको भी आज चेक करा दूंगा सारा। और बताऊंगा भाई मेरी सर्विस में क्या क्या कॉस्टिंग आई और क्या क्या डला है। कूलेंट मेरे पास पहले से रखा था तो मैं साथ ले आया अपने। आज मैं इसमें फ्रेम स्लाइडर भी लगवा दूंगा जो मैं दिल्ली से लेके आया था भाई। फाइनली फ्रेम स्लाइडर भी लग जाएंगे, लेकिन उसकी सेपरेट वीडियो आएगी अलग से एक। तो भाई यहाँ पे मैं डलवा रहा हूँ निंजा में इंजन ऑयल, ये 7100 इंजन ऑयल, और यहाँ पे ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे तो इसकी सर्विस भी हम साथ के साथ करा ही रहे हैं। तो भाई ये इंजन ऑयल निकला इसमें, और ऑयल मतलब काला नहीं हुआ, मतलब हुआ है इतना नहीं हुआ, अभी भी मैरून मैरून दिख रहा है। तो भाई ये है मेरा पुराने वाला ऑयल फिल्टर और ये है नए वाला ऑयल फिल्टर। तो भाई ये देखो, ये है पुराना ऑयल फिल्टर और ये है नए वाला। इसमें लगा है होंडा सिटी का ऑयल फिल्टर लगा है इसमें। और जो ये मेरे को इसकी कॉस्ट आई है ऑयल फिल्टर की, वो आई है 120 रुपीज़। तो भाई ये डल रहा है इंजन ऑयल, ये देख लो, ये डलवा रहा हूँ मैं 7100 वाला। तो भाई यहाँ पे मैंने स्कूबी खोल दी है। आज हम भैया काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला इतने तुम बाइक खोल के प्लास्टिक वेल्ड करा लो, तो मैं वेल्डिंग कराने लेके जा रहा हूँ। बाइक खोल दिए, पार्ट्स उधर रखे अपने। यहाँ पे तरुण भी आ गया, तरुण के साथ जाएंगे प्लास्टिक वेल्डिंग कराने। ये पार्ट रखे अपनी बाइक के, एक ये टूट गया था और एक ये टूटा हुआ है, बस ये वेल्ड कराना है, बाकी सब बढ़िया है। तो भाई यहाँ पे चल रही है अपनी प्लास्टिक वेल्डिंग के, यहाँ पे पार्ट चिपकाया जा रहा है, इसको भी पूरा अच्छे से चिपका रहे हैं। अब बाइक हमारी एकदम ओके हो जाएगी भाई। ये रही भाई तरुण भाई की MT राजदुलारी, क्या नाम रखा है इसका? फैल्कन है, फैल्कन राइडर, या क्या बात है। आय हाय, अच्छा रिंग भी लगवा दी? रिंग भी लगवा दी। जलाना रेड कलर की है? रेड है। कितने की लगी है ये? लगी थी 150। 150? अरे क्या बात है, सही लगवा ली। और टेल टाइट भी लग गई है, फोल्डेबल है पर ये इसकी वजह से ना ये चटक गया यहाँ पे। ये फोल्ड कैसे होगी? मैंने टाइट करवा रखी है फिलहाल। अच्छा, क्या है बार बार प्लास्टिक की वजह से क्या, ठीक है क्योंकि मैग्नेट इसमें है ना, प्लास्टिक तो मैग्नेट की वजह से वो नहीं पा रहा। तो भाई ये देखो प्लास्टिक वेल्डिंग हो चुकी है, क्या मस्त वाली करी है भैया ने यार आपकी वाली। ये जिसे मैंने कराई थी क्या फुद्दू सी करी है, देखना कैसे पहाड़ से खड़े हुए हैं, लेकिन ये एकदम फ्लैट हुई है। ये भी मैंने चढ़वा लिया और एक यहाँ पे थोड़ी सी चेपी लगवा ली, बाकी सब बढ़िया है, हो गई है, रेडी टू रोल बाइक है। अब हमारी मस्त लग रही है, अब ये ना गंदी नहीं लगेगी। ये देखो पता भी नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ है, लेकिन मैं ये भी ठीक करा दूंगा सारा। तो भाई वापस मैंने अपनी पूरी बाइक खोल दिया, ये देख लो हमारी निंजा ऐसी लगती है पूरी। ऊपर करूँ इसको? चलो अब इसको करते हैं ऊपर। भाई यहाँ पे चल रही है मेहनत पूरी, टोटल बॉडी यहाँ पे खुल नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से खुली जाएगी इसको। और यहाँ पे भैया बैठे, देखो आपकी कहाँ बेइज्जती कर रहे हैं यार, मेहनत लग रही है, मैंने कहाँ बेइज्जती करी, कुछ भूख लग रही है कुछ खिला दो यार। तो भाई ये देख लो, ये है इस टोटल बॉडी की हालत, देख रहे हो कितनी गंदी पड़ी है। ये देखो कितनी गंदी पड़ी है, पीछे जब पूरी साफ़ हो जाएगी पूरी है ना, अंदर कालस कालस हो रखी है। ये देखो कैसे हाथ काले हो गए मेरे भी। तो भाई अभी मैं लेने जा रहा हूँ अपनी बाइक के लिए WD-40, जो कि हम उसकी थ्रॉटल बॉडी में मारेंगे, और भी जो काम आ जाएगा मेरे WD-40, तो वहाँ से जा रहे हैं लेने, एक साइड वाला जो है ना वो लाल बोर्ड, वहाँ से मिलेगा WD-40। तो भाई हमने ये लिया ज़ोरिक, WD-40 मिला, उसका छोटा भाई मिल गया, और हम एक साइड से नहीं, हम यहाँ से लेके आए हैं। एक्साइड तो बैटरी की दुकान थी यार। तो भाई ये देखो, ये रहा हमारी टोटल बॉडी, कितनी क्लीन हो चुकी है ना भाई ये। और भाई साहब हमने ज़ोरिक मारा उसकी वजह से, तो भाई इसकी रेस और स्मूथ हो चुकी है भाई, पूछो मत। ये देखो कितना क्लीन हो चुका है भाई। ये देखो ये इसके ना यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है मोटर की, मैं सुनाता हूँ, ये सुनना ध्यान से, ये आवाज़ सुनी आप लोगों ने, ये आवाज़ आ रही है, अभी पता नहीं किस चीज़ की आ रही है। और हाँ इंजन में ये चेक लाइट भी जल पड़ी है मेरी, ये भी देखना पड़ेगा क्यों जली है, बंद भी नहीं हो रही है। टैंकी भी लगा के हमने देख लिया, सब करके देख लिया, लेकिन बंद नहीं हो रही है। ऐसा कभी हो सकता है हम कुछ काम ना करा और हमारे साथ घटना ना घटे,
ऐसा कभी होता है भाई? जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम तो अभी चली गई है, बड़ी मुश्किल से गई है, लेकिन प्रॉपर नहीं गई है। 19-20 का भी फर्क है, लेकिन वो भी चली जाएगी। और कल एक बार शोरूम हमें जाना पड़ेगा इसके चेकअप के लिए। अभी हम इसके ब्रेक शू चेंज करा रहे हैं और टायर चेंज करा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे डलवा रहे हैं टायर पुराने वाला वापस से, ये उतरवा रहा हूँ और ये निकल जाएगा, ये भैया लगा देंगे अपने, हम अपनी बाइक वहाँ पे ठीक करते हैं। तो भाई ये देखो, ये हमारे नए वाले ब्रेक शू, क्या मस्त है ना भाई, क्या सेक्सी लग रहे हैं। अब दिखाता हूँ पुराने वाले जो आएंगे निकल के बाहर। तो भाई ये देखो, ये नए वाले और ये पुराने वाले कितने पतले हो गए थे भाई ब्रेक शू मेरे, देखो घिस घिस के। तो देख लो भाई, ये फ़र्क होता है ब्रेक शू डलाने में, बाइक पूरी और स्किट खाएगी मेरी। तो भाई कल मैं आ गया था 8:30 बजे अपने घर पे। हमारी बाइक का सीन क्या हुआ ना, जो मैंने अभी नेट पे रिसर्च करी और जो और लोगों से भी पूछा या जिनके निंजा 300 में प्रॉब्लम आई है, क्या ये वायरिंग कट की वजह से या किसी ने चूहे ने वायरिंग खा ली है या फिर किसी की कुछ और रीज़न से प्रॉब्लम है। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम निकल के आई है, मीटर में आ रहा है एरर 32, जो टोटल बॉडी की एरर होता है, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा ये एंच, जो कि जिससे मैंने देखो, पहली बार मैंने जिस बाइक की सर्विस कराई थी मैंने बाइक कराई थी बाहर से, लेकिन थ्रॉटल बॉडी खुलवाने का सीन क्या था ना, क्योंकि गंदी बहुत थी और मेरे को खुद को लग रहा था कि क्लीन करानी चाहिए और वो इतनी अच्छी क्लीन होगी कि वो नहीं डल रही है। अब पुरानी भी नहीं मिलेगी, नई डलेगी। तो अब मैं जाऊँगा, कल दिल्ली जाना है, मैंने वेस्ट कावासाकी और यहाँ से 205 किलोमीटर है और कल हमारी जर्नी बड़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज ऑफ कि भाई हमारी जो बाइक है वो 40 से ऊपर नहीं जा रही है बिल्कुल भी। तो हम 40 पे अपनी स्पीड को लॉक करके कंटिन्यूसली वहाँ पे आएंगे एंड बाकी तो कल के व्लॉग में मज़ा आने वाला है। तो देखो, जिससे मैंने थ्रॉटल बॉडी, उसने आज से पहले किसी सुपर बाइक की थ्रॉटल बॉडी नहीं ओपन करी थी और उसको नहीं पता था कि इसकी थ्रॉटल बॉडी निकालने के लिए ब्लैक पार्ट उनके लिए सिर्फ नॉर्मल था, लेकिन वो सिर्फ इतना सा O2 सेंसर, सब थ्रॉटल सेंसर मेरे को इतना भारी पड़ा ना कि भाई 50,000 की मेरे को थ्रॉटल बॉडी लेनी पड़ रही है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हमारी किस्मत ही फुद्दू है। चलो कोई बात नहीं, देखो हम व्लॉग कर रहे हैं तो हमें गाय वहाँ से देख रही है, व्लॉग करते हुए क्या कर रहा है ये, अपने आप से बातें कर रहा है। उन भाई साहब ने थ्रॉटल बॉडी खोल के क्लीन तो कर दी, लेकिन वो सेंसर नहीं खोलना था, जिसकी वजह से, क्योंकि वो कंपनी फिटीडी सेंसर होता, कंपनी वाले ने खुद ने मेरे को बोला कि ये सेंसर हम खुद नहीं खोलते, आपने बाहर से खुलवा लिया है। तो इसके ऊपर ना, कंपनी जब बाइक मैन्युफैक्चर होती है ना, तो वहाँ से एक प्रीसेट लग के आता है और वो प्रीसेट बाहर से भी नहीं मिलता है, कहीं कुछ भी करो आप कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये जो छोटा सेंसर है ये भी बाहर आफ्टर मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो आपको पूरी टोटल बॉडी बाई करनी पड़ेगी। निंजा 300 BS6 मॉडल है वो थोड़ी सस्ती है उसके, लेकिन उसके सारे पार्ट्स सस्ते हैं और निंजा जो ओल्ड मॉडल है BS4 मॉडल है उनके पार्ट्स महंगे हैं। लेकिन इस केस में उल्टा हुआ है, नए वाली जो है उसकी टोटल बॉडी बहुत महंगी है और जो पुरानी वाली निंजा 300 है उसकी टोटल बॉडी सस्ती है। तो मैं वो लगवाने जा रहा हूँ, कल दिल्ली जाएंगे अपन। और मैंने बाइक ये खड़ी, बाकी सब बढ़िया है। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप आफ्टर मार्केट सर्विस कराते हैं ना कभी, तो अपनी टोटल बॉडी कभी बाहर से मत खुलाइए, हमेशा कंपनी से खुलाइए, ये मेरे को पता लगे। लेकिन सर्विस आप करवा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कभी भी मत छिड़वा लेना, क्योंकि हमारे निंजा 300 में जो टोटल बॉडी है सिर्फ अकेलेती वही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। तो हमेशा प्रेफर करना कि कंपनी से खुलवाओ, बाकी सब बढ़िया है।